बहुत बढ़िया, तुमने 3.1 एक्सरसाइज शुरू कर दिया। अच्छा, तुम्हारा डाउट है 3.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लो। डायग्राम जैसी बनाओगे तो सपोज दिस इज द सर्कल, ओके, एंड दिस इज द सेंटर। डायमीटर इज गिवेन, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट इज ए बी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ओके, और उस केस में कॉर्ड का कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो कॉर्ड कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसे ज्वाइन कर दो, तो ये वाला भी 20 हो जाएंगे, बिकॉज डायमीटर 40 दिया, तो रेडियस विल बी 20 20। तो दिस विल बी ऑल्सो 20, दिस इज ऑल्सो 20, दिस इज ऑल्सो 20। सो इट विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड? नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इंटू रेडियन मेजर। ओके, सो डिग्री विल बी कन्वर्टेड इंटू रेडियन मेजर। सो हियर थीटा इक्वल्स टू दैट इज 60 डिग्री, दैट इट विल बी π/3 रेडियन। ओके, π/3 रेडियन। ओके, बिकॉज जब हम लोग रेडियन वाले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि थीटा इक्वल्स टू L/R। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, थीटा इक्वल्स टू L/R। तो L इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इंटू आर, बिकॉज इस केस में तुमको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। तो थीटा कितना है, तो जस्ट एक बार दोबारा लिख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू L/R, थीटा π/3 है, आर के वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखो और एक बार ठीक से, जो माइनर आर्क को थीटा इक्वल्स टू L/R, तो L इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, थीटा का वैल्यू π/3 और इसका वैल्यू 20, दैट इज इक्वल्स टू 20π/3 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? ओके, गुड। तो ऐसी करके थोड़ा चैप्टर्स को आगे बढ़ाओ। अभी पूरे टाइम तुम लोग घर में हो और साथ साथ डाउट को भेजो, जैसे मेरे को टाइम मिल जाएगा फिर इसका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके, गुड।